कि जाओ आप तब तक पुष्प को तोड़ करके लाइए और मैं तब तक इधर जो भी सामग्री है उसको मैं सही से विधि विधान से इसका पूजन करवाऊंगा। उसके बाद में तो भक्त जनक जी चले जाते हैं पुष्प को लेने के लिए और इधर रावण मौका पाता है और रावण ने जब मौका पाया है तो रावण ने सोचा यही सही समय है। रावण ने उस धनुष को उठा लिया और भक्तों उस धनुष में धनुष को उठाया है और उठा करके चल देता है और चलता चला जा रहा है और धीरे धीरे रात्रि हो जाती है। रात्रि का समय हुआ तो रावण ने विचार किया कि लंका तो अभी बहुत दूर है, तब तक ना हो तो आज रात्रि यहीं पे बिताई जाए। तो रावण ने इतना विचार किया और एक गुफा में चला गया उस धनुष के साथ में और उस गुफा में विश्राम करने लगा। इधर जब महाराज जनक जी वापस आए अपने महलों को तो देखा कि वहां पे शिव धनुष नहीं है और इधर परशुराम जी भगवान की तपस्या कर रहे थे। आज उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि रावण ने कितना ये दुष्कर कार्य किया है। इस रावण की ये हिम्मत कैसे हुई, इसने भगवान शिव के महाप्रतापी धनुष को चुराने का प्रयास किया। मैं इसको अभी दंड देता हूँ। परशुराम जी जनक जी के पास में पहुंचे और जनक से कहा कि हे राजन, आप मेरे साथ में चलिए, आपका ये धनुष जो था वो रावण चोरी करके ले गया है। महाराज जनक जी परशुराम जी के साथ में चले हैं और जा करके उस गुफा में पहुंचे और जब गुफा में पहुंचे हैं तो जनक जी और परशुराम जी ने उस रावण को पकड़ लिया और उसके केशों को पकड़ कर घसीटते हुए लाए हैं बाहर उस गुफा के। जब गुफा के बाहर आए तो रावण परशुराम जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना जब रावण ने कहा तो परशुराम जी ने कहा तुझे इसका दंड मिलना चाहिए। रावण ने कहा कि कहो अगर ये मुझे श्राप न दे दे ना हो तो मैं इसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा वंदना करता हूँ। रावण ने क्षमा मांगी लेकिन परशुराम जी ने क्षमा नहीं किया। जब क्षमा नहीं किया तो महाराज जनक जी बोल पड़े और कहने लगे महर्षि परशुराम जी से कि हे भगवान, आप तो महान आत्मा हैं, आप तो महान हैं। आज जब महाराज जनक जी ने परशुराम जी से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, आज के बाद ये कभी गलती नहीं करेगा। परशुराम जी ने कहा, रावण से कहा कि हे रावण, वैसे मैं तुम्हें क्षमा नहीं करता लेकिन महाराज जनक जी की तरफ से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। साफ दिखाना है। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि इस बार तुमने चोरी की है इस धनुष की, तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रखना अगर अगली बार तुम चोरी करोगे तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा पाएगा। तो भक्तों, एक बार रावण ने धनुष की चोरी की तो उसे परशुराम जी ने क्षमा कर दिया और जब दूसरी बार माता सीता का हरण किया, माता सीता की चोरी की, तब उसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक मौका दिए लेकिन वो नहीं माना तो भगवान ने उसका अंत समय में अंत कर दिया।
आज इधर रावण ने जब जब महर्षि परशुराम जी से क्षमा मांगी तो भगवान परशुराम जी ने क्षमा कर दिया उस रावण को और क्षमा करके वापस चले आते हैं। रावण अपने लंका को चला गया और परशुराम जी ने अपने मन में विचार किया कि रावण की दृष्टि इस धनुष पे पड़ चुकी है तो हो सकता है कि ये रावण और अगली बार भी ये हो सकता है कि इस धनुष को चुराने का प्रयास कर सके, हो सकता है इस धनुष को दोबारा से चोरी ना कर ले जाए तो ना हो तो मैं इसमें नौ ग्रहों को विराजमान कर देता हूँ। परशुराम जी ने नौ ग्रहों को बुलाया और बुला करके उस धनुष में स्थापित कर दिया और तब से भगवान वो धनुष इतना वजन हो गया, इतना वजन हो गया कि फिर उसके बाद में कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। इसीलिए उस धनुष का वजन जो था वो बहुत ही भारी था, इसे कोई भी राजा उसको उठा नहीं पाता था। और इधर अब चलते हैं, इधर माता सीता का स्वयंवर होना है भी। इधर जनकपुर की सारी नर नारी बाल वृद्ध सभी आते हैं जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर देखने के लिए। और जब स्वयंवर देखने के लिए आए हैं तो महाराज जनक जी ने बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की, सभी राजाओं को बिठाया है और सभी राजाओं को ऊंचे सिंहासन पे बिठाया। और तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र लक्ष्मण समेत आते हैं उस रक्त भूमि में। आज रक्त भूमि में दोनों भाई राम और लक्ष्मण पधारे हुए हैं। रंग भूमि आए दो लक्ष्मण समेत विश्वामित्र के साथ में आते हैं श्री रंग भूमि में पहुंचे हैं तो सभी नर नारी जब ये समाचार सुनते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं तो सभी देवी देवता भी भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, भगवान का स्वयंवर देखने के लिए आए हैं उस सभा में। और इधर सभी नगर के नर नारी अपने मन में विचार करते हैं जो वाली जल है सभी नर नारी भगवान के अलग अलग रूपों का दर्शन कर रहे हैं, जिसकी जैसी इच्छा है जो भी भगवान को जिस दृष्टि से देखता है भगवान उसको उसी दृष्टि से नजर आते हैं। कोई भक्त है तो भगवान के रूप में उसका भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं तो भगवान उसे भगवान के रूप में दिखाई देते हैं
और जो दुष्ट वहां पे बैठे हुए थे उन दुष्टों को भगवान श्री रामचंद्र जी एक महाभयंकर काल की भांति उन्हें दर्शन देते हैं। जाती रही अभावना चलती, जाती रही अभावना चलती। भगवान को जो भी जिस भाव से देखता है भगवान उसे उसी भाव से दिखाई देते हैं। सभी भूपति सभी राजा सभा में विराजमान हैं और जब विराजमान हैं महाराज जनक जी के प्रण को सुन करके आए हैं। जनक ने प्रण जो ठाने है, जनक ने प्रण जो ठाने है, स्वयंवर की दया सभा में विराजमान है तो सभी जो राजा हैं आज सभी आपस में बात कर रहे हैं कि
कौन सबसे पहले उठे, आपस में सभी बात कर रहे हैं, तब तक महाराज जनक जी ने बंसी जन को बुलाया और बंसी जन को बुला करके कहा कि मेरा जो भी प्रण है उसको सभी राजाओं को सुनाइए। तो सभी